हेलो फ्रेंड्स, सुमन आर्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्लेन टी शर्ट पे डिज़ाइन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर अपना डिज़ाइन ट्रेस करेंगे। हम चाहे तो हाथों से ड्राइंग भी कर सकते हैं या फिर हम ट्रेस भी कर सकते हैं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं इसमें शेयर कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रॉ पूरा हो गया है। आप इसके जगह आप कुछ भी बना सकते हैं, आप कोई फ्लावर बना सकते हैं या कोई बर्ड की पिक्चर बना सकते हैं। मैंने ये देसी भूजल लिखा है, अब इसमें कलर करेंगे। ये मैंने ब्लैक कलर लिया है इसमें करने के लिए, और ये 00 नंबर का ब्रश है। इसमें कलर करने से पहले हम टी शर्ट के अंदर की तरफ या तो कोई प्लास्टिक लगा लेंगे या कार्डबोर्ड लगा लेंगे, ताकि टी शर्ट में पिछली तरफ कलर ना जाए और वो ख़राब ना हो। मैं प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने प्लास्टिक लगा दिया इसके अंदर। ये कलर हमने ये फेविक्रिल कलर लिया है, ये कपड़ों पर यूज़ कर सकते हैं, एक्रिलिक कलर होता है ये। ये हम कपड़ों पर करते हैं तो ये छूटता नहीं है, इसलिए मैं इसका यूज़ करूँगी। ये क्योंकि मैंने इस पर ये लेटर्स लिखे हैं, तो इसमें शेडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसे फिलअप करूँगी। ये देखिए, ये हमने डी पूरा फिलअप कर दिया है। इसी तरह से हम बाकी के लेटर्स को भी भर देंगे अच्छे से। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है कलर में। यदि हम इसमें पानी डालेंगे तो यह कलर कपड़े पे से छूट जाएगा। यदि हमारा कलर गाढ़ा हो जाता है तो हम उसे मिलाने के लिए मीडियम ला सकते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसे सूखने के 24 घंटों के बाद हम इसे बैक साइड से इस पर प्रेस करेंगे ताकि ये कलर अच्छे से जम जाए और ये कपड़े से छूटे नहीं। यदि आपको ऐसे फिलअप करने में कोई दिक्कत होती है तो आप पहले आउटलाइन भी कर सकते हैं और आउटलाइन करने के बाद इसे फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप और कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।